नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ सूजी की बेफरा रेसिपी। ये रेसिपी बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर। चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कटोरी चना दाल को 5 से 6 घंटा के लिए भिगो के रख दे। फिर इसको मिक्सर जार में चना की दाल को और थोड़ा 2-3 हरी मिर्ची और लहसुन को डाल के एकदम दरदरा पेस्ट पीस दे। फिर इसको कटोरे में निकाल दे। अब कढ़ाई में 2 कटोरी पानी डाले और 1 टीस्पून तेल डाले और आधा चम्मच से कम नमक डाले और सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर ले। जब पानी में उबाल आने लगे फिर इसमें 1 कटोरी सूजी डाल ले। 2 कटोरी पानी है तो 1 कटोरी सूजी डाले और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर ले। सूजी को अच्छे से पानी में मिक्स कर ले, थोड़ा कोई भी गुठली उठली ना रहे और एकदम डो फॉर्म में जब ये इकट्ठा होने लगे तो फिर गैस का फ्लेम को बंद कर ले। फिर इसको किसी प्लेट में निकाल ले। हल्का सा गर्म में ही इसको आटा के जैसे सूजी को आटा को सान ले। अब ये जो दाल का पेस्ट बनाए थे ना, इसमें 1 चम्मच नमक डाले। नमक अपने स्वाद अनुसार डाले और अच्छे से मिक्स कर ले। चना की दाल का जब आप बेफरा को सब कुछ रेडी कर ले तभी इसमें नमक डालो ना, पानी छोड़ देगा। अब एक लोई ले। अब इसे कटर या गिलास से ऐसे गोल शेप में सारे पूड़ी को ऐसे कट कर ले। फिर एक चम्मच मसाला डाल के इसको ऐसे फोल्ड कर ले। ऐसे फोल्ड कर ले, ऐसे सारे बेफरा को रेडी कर ले। अब स्टीमर पे थोड़ा सा तेल लगा ले। तेल लगाने से चिपकता नहीं है और अच्छे से स्टीम हो जाता है। फिर सारे ऐसे एक एक करके सारे बेफरा को ऐसे स्टीमर में डाल दे। फिर इसको गैस पे रख दे। 15 मिनट के लिए इसको स्टीम होने दे। 15 मिनट बाद इसको फिर चक्कू से चेक कर ले। चक्कू एकदम साफ़ निकले समझ जाइए आपका वेफरा अच्छे से पक गया है। अब इसको गर्मा गर्म वेफरा बनकर तैयार है। सूजी को वेफरा को आप लहसुन मिर्चा के चटनी के साथ खाइए या धनिया की चटनी के साथ खाइए, दोनों के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और सूजी के वेफरा बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।